Today our topic is chapter 13, that is surface area and volumes. We have already started exercise 13.1. So we have to start with question number 5. Question number 5 is, a cubical box has each edge 10 cm. अब cubical box की बात हुई है, इसलिए length breadth ना लिखे, edge लिखा है. Cubical मतलब cube. तो cube की तीनों जो भी sides हैं वो क्या होंगी? 10 cm. And another cuboidal box. Cuboidal box है, वो है हमारे पास 12.5 cm long, 10 cm wide and 8 cm high. तो cuboid की length breadth और height हमारे पास given है. क्यूब गिवन है, क्यूबॉइड गिवन है, दोनों चीज़ों के बारे में डिस्कस करना है हमें. आगे क्या बोला है क्वेश्चन में, फर्स्ट पार्ट इज विच बॉक्स हैज़ द ग्रेटर लेटरल सरफेस एरिया. तो सिंपल है, लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगाना है एंड बाय हाउ मच, कौन सा किससे कितना ज़्यादा है, सब्ट्रैक्ट करके आ जाएगा. सेकेंड पार्ट में क्या बोला है, विच बॉक्स हैज़ द स्मॉलर टोटल सरफेस एरिया. तो अब यहाँ किस पे बात हुई है, टी एस से, एंड बाय हाउ मच, फिर वही सब्ट्रैक्ट करके आ जाएगा. तो बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है, बस स्टेप वाइज आपको लिखना है. तो अब सबसे पहले लिख लेते हैं हमारे पास जो जो मेजरमेंट गिवन है उन सबको, और फिर उसके बाद लेटरल सरफेस एरिया निकालते हैं. तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट से. तो फर्स्ट पार्ट में लेटरल सरफेस एरिया, क्यूब की बात है तो सबसे पहले हमने लिखा एज. फर्स्ट पार्ट नहीं लिखती मैं, पहले सारी डायमेंशन लिख देती हूँ. एज ऑफ क्यूब इक्वल्स टू कितनी दे रखी है हमारे पास, 10 सेंटीमीटर. ठीक है, उसके बाद हमें क्या दे रखा है, लेंथ ऑफ क्यूबॉइड, क्यूबॉइडल बॉक्स. ठीक है, यहाँ भी मैं क्यूबिकल बॉक्स लिख देती हूँ, क्यूबिकल बॉक्स. और इसको लेट कर लेते हैं, कुछ ए लेट कर लिया मैंने, तो ये आ गया 10 सेंटीमीटर, ताकि बार बार लिखना ना पड़े हमें. लेंथ कितना दे रखा है, 12.5. फिर आ जाती है हमारे पास ब्रेथ ऑफ क्यूबॉइडल बॉक्स, बी लेट कर लिया, वो हमारे पास है 10 सेंटीमीटर. और यहाँ पे मेजरमेंट्स का आपने ध्यान रखना है बस, कि जो जो मीटर सेंटीमीटर है वो ध्यान से लिखना है, जैसे गिवन है वही हमें लिखना है. सारी मेजरमेंट्स आ गई हमारे पास. उसके बाद अब बात करते हैं लेटरल सरफेस एरिया की. ठीक है, तो यहाँ से हमने फाइंड किया लेटरल सरफेस एरिया फर्स्ट पार्ट. तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ लेटरल सरफेस एरिया ऑफ, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब. कितना होता है क्यूब का लेटरल सरफेस एरिया, 4a² लिख दिया. 4a की वैल्यू कितनी है, 10² 4 × 100. तो ये हमारे पास आया 400, और यूनिट क्या होगी, सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक है, फिर बोला है हमें लेटरल सरफेस एरिया किसका, क्यूबॉइड का, ऑफ क्यूबॉइड. क्यूबॉइड का लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, 4 walls वाला होता है वहाँ से. तो ये बना 2l + b × h. ठीक है, इक्वल्स टू 2 × अब l कितना है यहाँ पे, 12.5 + 10 और h है 8. तो ये आया 2 × 8 = 16, और यहाँ से हमारे पास आया 22.5. अब इसको मल्टीप्लाई करके देख, 360 आएगा मल्टीप्लाई करके, तो ये लिखा 360 cm². अब ये तो आपको खुद दिख गया है किसका लेटरल सरफेस एरिया ज़्यादा होगा. लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज LSA ऑफ क्यूब ग्रेटर देन LSA ऑफ क्यूबॉइड, एंड बाय हाउ मच, एंड बाय 400 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 360 cm², दैट इज 40 cm². तो बाय हाउ मच कितना हुआ, 40 cm², और LSA ऑफ क्यूब और क्यूबॉइड में से किसका ग्रेटर हुआ, क्यूब का ग्रेटर है. उसके बाद अब हमें क्या दे रखा है, अब हमें बोला है टोटल सरफेस एरिया की बात करनी है. तो अब टोटल सरफेस एरिया पे पहुँचते हैं. तो टोटल सरफेस एरिया क्या आएगा हमारे पास, फॉर्मूला लगाओ, TSA ऑफ क्यूब क्या होता है, 6a² 6 × 10² तो ये आ गया 6 × 100 और हमारे पास आया टोटल 600 cm², ये TSA आया. इसके बाद आया TSA ऑफ क्यूबॉइड, यहाँ से आएगा TSA में 2lb + bh + hl. वैल्यूज पुट करें, 12.5 × 8 +
10 into 8 plus 12.5 into 10 centimeter square. 2 into 100 plus 80 plus 125 equals to 2 into 305. इन सबको ऐड किया तो आया 305 और मल्टीप्लाई करके आ गया 610 सेंटीमीटर स्क्वायर. अब देखो आपको खुद दिख रहा है क्यूब का ग्रेटर है कि क्यूबॉइड का, तो क्यूबॉइड का टी एस से ग्रेटर है. तो यहाँ पे हम लिखेंगे टी एस से ऑफ क्यूबॉइड इज ग्रेटर देन टी एस से ऑफ क्यूब एंड बाय हाउ मच 610 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 600 सेंटीमीटर स्क्वायर दैट इज 10 सेंटीमीटर स्क्वायर. जो भी आंसर हो उसको स्क्वायर ब्लॉक में ज़रूर करना है, स्क्वायर या रेक्टेंगल ब्लॉक जो जैसे भी आता है. तो ये हमारा होता है क्वेश्चन नंबर 5. नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला है, अ स्मॉल इंडोर ग्रीन हाउस इज मेड एंटायरली ऑफ ग्लास पेन्स. ग्रीन हाउस तो पता ही है सभी को, तो वो ग्लास पेन से बनाया है हमारे पास. और किस शेप का बनाया वो अभी पता चल जाएगा. इट इज़ 30 सेंटीमीटर लॉन्ग, 25 सेंटीमीटर वाइड एंड 25 सेंटीमीटर हाई. तो तीन डायमेंशंस है, लेंथ, ब्रेथ और हाइट. तो ऑब्वियसली किस शेप का हो गया, क्यूबॉइड शेप का हो गया. क्वेश्चन में क्या पूछा है, व्हाट इज़ द एरिया ऑफ द ग्लास, हाउ मच ऑफ टेप इज नीडेड फॉर ऑल 12 एजेस. अब सबसे पहले बात आई है यहाँ पे कि हाउ मच एरिया ऑफ द ग्लास, वट इज़ द एरिया ऑफ द ग्लास. तो एरिया ऑफ द ग्लास क्या होगा, जो भी उसके आउटर बाउंड्री है क्यूबॉइड की, मतलब जो भी उसका टोटल सरफेस एरिया आएगा. ठीक है, इसमें क्या बोला है, जो ग्लास पेन्स है इंक्लूडिंग बेस भी लेना है, क्योंकि जनरली जो ग्रीन हाउस बनाते हैं उसमें बेस में नहीं लेते. तो इसलिए साथ में लिखा है कि इंक्लूडिंग बेस, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया, जिसमें हमारे पास सारे पार्ट्स रहेंगे, ऑल 6 पार्ट्स आर देयर. तो अब लिखना शुरू करते हैं सबसे पहले डायमेंशंस, फिर उसके बाद आगे प्रोसीड करेंगे. तो सॉल्यूशन कहाँ से स्टार्ट हुआ हमारा, सबसे पहले हमने लिखा लेंथ ऑफ जो भी हमारा ग्रीन हाउस है, लेंथ ऑफ ग्रीन हाउस, इसको L लिख दिया, दे रखा है 30 सेंटीमीटर. फिर आता है हमारे पास ब्रेथ ऑफ ग्रीन हाउस, इसको B लिखा, ये आया 25 सेंटीमीटर. फिर आता है हाइट ऑफ ग्रीन हाउस, इसको H लिखा और ये हमारे पास आता है 25 सेंटीमीटर. अब लिखते हैं जो हमें फाइंड आउट करना है. तो सबसे पहले हमें बताना पड़ेगा कि जो हमारी शेप होती है ग्रीन हाउस की वो क्या है, क्यूबॉइड है. द ग्रीन हाउस, यहाँ लिखा द ग्रीन हाउस इज क्यूबॉइड इन शेप, तो वही लिखेंगे यहाँ पे क्यूबॉइड इन शेप. अब शेप हमारी क्यूबॉइड हो गई और हमें फाइंड आउट क्या करना है, टोटल सरफेस एरिया. तो पहले लिखेंगे यहाँ पे फर्स्ट पार्ट. फर्स्ट पार्ट में क्या आएगा हमारे पास, एरिया ऑफ ग्लास इक्वल्स टू टी एस से ऑफ क्यूबॉइड. ठीक है, तो यहाँ से बना 2 एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल. वैल्यूज पुट करते हैं, 2 इंटू 30 प्लस 30 इंटू 25 प्लस बी इज 25 इंटू 25 प्लस एच इज 25 इंटू 30. यूनिट क्या आ जाएगी, सब सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर. तो ये आया यहाँ से 750 प्लस 625 प्लस 750 सेंटीमीटर स्क्वायर. अब इन सबको सॉल्व करके 2 से मल्टीप्लाई करना है, दैट विल बी आवर आंसर, जो हमें एरिया ऑफ ग्लास निकालना है. तो यहाँ से हमारे पास आया 4250 सेंटीमीटर स्क्वायर. सो दिस इज़ द आंसर फॉर एरिया ऑफ द ग्लास. अब बात आती है नंबर 2, हाउ मच टेप इज़ रिक्वायर्ड. तो पहले क्या लिखेंगे यहाँ पे, टेप नीडेड फॉर एजेस. तो ऐसे ही लिखते हैं, टेप नीडेड फॉर ऑल 12 एजेस इक्वल्स टू. तो अब देखो, टेप नीडेड फॉर ऑल 12 एजेस, तो हमारे पास कितनी एजेस होती हैं, मैं एक बार साइड में लिख देती हूँ. यहाँ पे हमारे पास टोटल एजेस होती हैं 12. एजेस कितनी है, 12.
जिसमें से फोर हमारे पास क्या होती है, लेंथ होती है, फोर हमारे पास ब्रेथ होती है और फोर हमारे पास हाइट होती है। तो जो लेंथ ऑफ टेप हुई मतलब वो एल बी और एच, और कितने टाइम्स, फोर फोर टाइम्स वो सारी लेंथ निकलेगी हमारे पास टेप की, तभी टेप आएगा। तो टेप नीडेड में हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, इक्वल्स टू फोर एल प्लस फोर बी प्लस फोर एच, क्योंकि हमारे पास टोटल कितनी एजेस हैं, 12 एजेस हैं। और 12 एजेस कैसे डिवाइड होती है, फोर लेंथ होती है, फोर ब्रेथ होती है और फोर हाइट होती है। सो 4 इंटू 30 प्लस 4 इंटू 25 प्लस 4 इंटू 25 120 प्लस 100 प्लस 100, तो हमारे पास कितना आ जाएगा ये सॉल्व करके, 320 सेंटीमीटर। अब यहाँ सिर्फ सेंटीमीटर आएगा क्योंकि लेंथ ऑफ टेप की बात थी या टेप नीडेड की बात, यूनिट हमेशा क्या रहेगी, सेंटीमीटर में रहेगी। लास्ट में आपको फाइनल स्टेटमेंट लिखनी है, देयरफॉर 320 सेंटीमीटर टेप इज नीडेड फॉर ऑल 12 एजेस। यही पूछा था क्वेश्चन में, यही हमने बता दिया। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला है हमारे पास, शांति स्वीट्स, कोई भी स्वीट का शॉप का नेम दिया है, स्टॉल वॉज प्लेसिंग एन ऑर्डर फॉर मेकिंग कार्डबोर्ड बॉक्सेस फॉर पैकिंग देयर स्वीट्स। तो कार्डबोर्ड बॉक्सेस बनाने हैं तो ऑब्वियसली है तो क्यूब या क्यूबॉइड शेप में होंगे, वो शेप कैसी है वो आगे डायमेंशन से पता चल जाएगा। फिर बोला है टू साइजेस ऑफ बॉक्सेस वर रिक्वायर्ड, दो साइज चाहिए हमें, द बिगर ऑफ 25 इंटू 20 इंटू 5 सेंटीमीटर। तो तीनों डायमेंशन अलग है तो ये बन गई क्यूबॉइड। सेकेंड बॉक्स क्या है, स्मॉलर ऑफ 15, 12 एंड 5, तो ये भी किस शेप का हुआ, क्यूबॉइड शेप का हुआ। फॉर ऑल ओवरलैप्स 5% ऑफ TSA इज रिक्वायर्ड एक्स्ट्रा, तो पहले TSA निकाला उसका 5% निकाला वो ऐड किया क्योंकि एक्स्ट्रा चाहिए किसके लिए, ओवरलैपिंग के लिए। द कॉस्ट ऑफ द कार्डबोर्ड इज ₹4 पर 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड द कॉस्ट ऑफ कार्डबोर्ड रिक्वायर फॉर सप्लाइंग 250 बॉक्सेज ऑफ ईच काइंड। तो पहले 250 बॉक्सेस की बात करेंगे, बिगर बॉक्स की, फिर स्मॉलर बॉक्स की और फिर लास्ट में टोटल कॉस्ट उसकी बतानी है। तो पहले बिगर बॉक्स के लिए लिखना शुरू करते हैं, बोल भी दिया था यहाँ पे TSA 5% एक्स्ट्रा, तो हमें TSA पे बात करनी है तो यहाँ पे लिखते हैं सबसे पहले बिगर बॉक्स के लिए। ठीक है, यहाँ आया फॉर बिगर बॉक्स, सारी डायमेंशंस लिखनी है आपने, लेंथ ऑफ बिगर बॉक्स, मैं बी बॉक्स लिख रही हूँ ताकि बिगर बॉक्स मतलब हो, ये हो गया एल, दिस इज 25 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ क्योंकि डायमेंशन हमें दे रखी है ये हुआ 20 सेंटीमीटर, इसी के साथ क्या आया हमारे पास हाइट, ये हमारे पास एच आ गया 5 सेंटीमीटर। अब क्या निकालना है TSA, तो TSA क्या आया हमारे पास, 2LB प्लस BH प्लस HL, कितना बनेगा 225 इंटू 25 इंटू 25 इंटू 20 इंटू 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको कम्प्लीटली सॉल्व करेंगे तो आएगा 1450 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया फर्स्ट TSA। फिर क्या बोला था, एक्स्ट्रा कितना चाहिए, 5% एक्स्ट्रा रिक्वायर्ड इक्वल्स टू 5% ऑफ TSA ऑफ बिगर बॉक्स। ठीक है, 5% का मतलब 100, TSA इज 1450, तो ये सॉल्व करके आया 72.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा टोटल एरिया रिक्वायर्ड किसके लिए, बिगर बॉक्स के लिए, एरिया रिक्वायर्ड फॉर वन बिगर बॉक्स हमें कितने चाहिए, 250, तो ये कितना आएगा यहाँ पे, TSA प्लस एक्स्ट्रा, TSA था 1450 प्लस 72.5, कितना आ गया 1522.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आया वन बॉक्स के लिए टोटल एरिया रिक्वायर्ड फॉर 250 बिगर बॉक्सेस, 250 इंटू 1522.5 कितना आ गया 380625 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया यहाँ तक हमारे पास। अब आ जाते हैं स्मॉलर बॉक्स की बात,
यहाँ पे लिखेंगे फॉर स्मॉलर बॉक्स, ऐसे ही निकालना है स्मॉलर बॉक्स के लिए भी, मैं डायरेक्ट निकाल रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने लिखा टी एस ए ऑफ एस बॉक्स यानी कि स्मॉलर बॉक्स, तो ये बना 2 × 15 × 12। आपको कम्प्लीटली सारी मेजरमेंट्स लिखनी है, शॉर्ट में नहीं करना है, सॉल्व करके हमारे पास आ जाएगा 630 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक्स्ट्रा कितना चाहिए था 5%, सो एक्स्ट्रा रिक्वायर्ड कितना आ जाएगा 5% ऑफ टी एस ए, दैट इज़ 5/100 × 630। तो सॉल्व करके हमारे पास बनेगा 31.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो फिर यहाँ पे आया टोटल एरिया रिक्वायर्ड, एरिया रिक्वायर्ड फॉर वन एस बॉक्स यानी कि स्मॉलर बॉक्स 630 + 31.5 दैट इज 661.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर आया टी एस ए रिक्वायर्ड फॉर 250 स्मॉलर बॉक्सेस, तो ये बना 250 × 661.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सॉल्व करके कितना आ जाएगा हमारे पास 16 5 3 7 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये 250 बॉक्सेस के लिए आ गया। तो अब हमें क्या बताना है, हमें बताना है कॉस्ट। तो पहले टोटल शीट ले लेते हैं, टोटल एरिया ले लेते हैं। टोटल एरिया ऑफ कार्डबोर्ड नीडेड, ठीक है, रिक्वायर्ड या नीडेड कितना आ जाएगा, एरिया ऑफ 250 बिगर बॉक्स प्लस स्मॉलर बॉक्स, ठीक है, दोनों का एरिया ऐड हुआ 380625 प्लस 165375। तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा सॉल्व करके 546000 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब कॉस्ट की बात आती है, कॉस्ट में क्या बोला है ध्यान से देखना, कॉस्ट ऑफ 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर रुपीज़ 4, कॉस्ट ऑफ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर 4/1000 रुपीज़, और फिर इधर कितना आ जाएगा हमारे पास कॉस्ट ऑफ कितने रुपी सेंटीमीटर स्क्वायर है 546, तो ये बना 4/1000 × 546 30 कैंसिल आउट होके हमारे पास आया 2184 रुपीज़। क्वेश्चन इजी था, थोड़ा सा लेंथी था, इसलिए 4 to 5 मार्क्स में भी आ सकता है। अब जैसे कि 10th का सैम्पल पेपर आया है उसमें 5 मार्क के क्वेश्चन भी है, तो मोस्ट प्रोबेबली आप लोगों के भी 5 मार्क के क्वेश्चन आएंगे। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास क्या बोला है, परवीन वॉन्ट्स टू मेक अ टेम्प्रेरी शेल्टर फॉर हर कार, कार के लिए शेल्टर बनाना है बाय मेकिंग अ बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर विद टारपुलिन दैट कवर्स ऑल 4 साइड्स एंड द टॉप ऑफ द कार। तो 4 साइड्स एंड द टॉप ऑफ द कार हुआ हमारे पास, तो टी एस ए में से बेस हट जाएगा हमारा। अज्यूमिंग दैट स्टिचिंग मार्जिन आर वेरी स्मॉल दैट इज नेग्लिजिबल, हाउ मच टारपुलिन विड बी रिक्वायर्ड टू मेक द शेल्टर ऑफ हाइट एंड बेस डायमेंशन दिस। तो ऑब्वियसली हमें क्या बताना है, जो हमारे पास टी एस ए होता है उसमें से हमें बेस को हटा देना है, यही होगा, या आप टोटल कर सकते हो, टोटल एरिया में से बेस को हटा दो, या फिर आप क्या कर सकते हो 5 साइड्स का ही, 5 जो हमारी साइड्स होती हैं, जो शेप हैं, जो रेक्टेंगुलर शेप्स हैं, उनका एरिया निकाल सकते हो। तो सबसे पहले हमने लिखा है लेंथ ऑफ शेल्टर, तो ये हमारे पास एल और इसकी डायमेंशन 4। फिर उसके बाद हमारे पास ब्रेड्थ ऑफ शेल्टर बी, क्यों हुआ, क्योंकि देखो बेस हमारे पास दे रखा है 4 × 3, तो ये लेंथ और ब्रेड्थ होता है, और हाइट हमारे पास गिवन है 2.5, तो हमने लिख दिया, यहाँ से हमने लिखा हाइट ऑफ शेल्टर, तो ये हमारे पास एच कितना है 2.5 मीटर। अब जो हमें एरिया निकालना है वो लिखते हैं यहाँ पे, एरिया ऑफ टारपुलिन रिक्वायर्ड, बस ये चीज़ इंपॉर्टेंट होती है इन क्वेश्चंस में, ये आएगा हमारे पास एरिया ऑफ क्यूबॉइड या टोटल एरिया ऑफ क्यूबॉइड माइनस एरिया ऑफ बॉटम, ठीक है, आप ऐसे लिख लो या फिर उसको सब्ट्रैक्ट करके लिखो, तो ये होता है 2LB प्लस BH प्लस HL और ये होता है LB। तो सॉल्व करेंगे तो LB प्लस 2BH प्लस 2HL,
ये आएगा, हमें वैल्यूज़ पुट करनी है। वैल्यू पुट की 4 × 3 प्लस 2 × 3 × 2.5 प्लस 2 × 4 × 2.5। सॉल्व करके आ जाएगा 12 प्लस, यहाँ से हमारे पास आएगा 2 × इट विल बी 7.5 प्लस 2 × 10। पूरा सॉल्व किया तो आया 12 प्लस 15 प्लस 20 दैट इज 47 मीटर स्क्वायर। तो लास्ट में आपको क्या लिखना है, देयर फोर 47 मीटर स्क्वायर टार्पुलिन विल बी रिक्वायर्ड। लास्ट में फाइनल स्टेटमेंट आपने ज़रूर लिखनी है। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 13.1 कंप्लीट होती है। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे।